गुड मॉर्निंग सर बोधा नमस्कार डियर वंस अगेन आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू लेसन इन द प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस इन टुडे सेशन आई विल कंटिन्यू द लेसन ओके लेट अस स्टार्ट द लेसन दैट इज वॉइस आई हैव ऑलरेडी गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन ओके आज इसको विस्तार में करेंगे डिटेल में करेंगे इंट्रोडक्शन हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है आज पढ़ेंगे हाउ टू चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव यहां देखते हैं सेंटेंस लिखते हैं आपने टेंस पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बोले तो बेटा सिंपल प्रेजेंट ये होता है टेंस ठीक है इसमें हमने यहाँ लिख दिया बेटा एक्टिव वॉइस आपको पढ़ना है और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं इधर लिखेंगे हम पैसिव वॉइस ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का जो वो स्ट्रक्चर होता है वो लिखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर हमने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है आपका स्ट्रक्चर ओके पैसिव में लेके आते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता था पैसिव में तो ये आपका पहले ऑब्जेक्ट लिखा गया फिर इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया अब बात करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं तो बात ज्यादा समझ में आएगी जैसे मैं बोलूं आई प्ले क्रिकेट ये हमने सेंटेंस लिख दिया ये है बेटा एक्टिव क्या है एक्टिव ये है सब्जेक्ट ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट ये आपका सब्जेक्ट ये आपका वर्ब ये आपका ऑब्जेक्ट अब इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर चलेंगे ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है ऑब्जेक्ट ये है मेरा ऑब्जेक्ट हमने पहले लिख दिया क्रिकेट अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमें इसमें से वर्ब चूज करने कौन सा वर्ब आएगा बेटा बहुत आसान है इज आएगा क्रिकेट इज अब आता है यहाँ पे वर्ब थ्री प्ले का वर्ब थ्री आएगा बेटा प्लेड प्लेड बहुत आसान है बहुत सिंपल प्लेड हमने लिख दिया उसके बाद ये बाय को कैरी करना पड़ता है बाय हमने कैरी कर दिया उसके बाद सब्जेक्ट पुट करते सब्जेक्ट क्या है आई तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डालना होता है मी जब हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको आई का मी का दे का ई का सी का सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताया था और वो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया मी अब इस तरह से आपका ये पैसिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया इसको नोट डाउन करते जाएंगे इसके बाद आपका इसका नेगेटिव इंफॉर्मेटिव ऑलरेडी आता है करने ये बच्चों वाली बात है नेगेटिव इसका बनाने आता है इसका नेगेटिव भी बना ही सकते हैं ऑब्वियसली इसके बाद चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बच्चा मेरा होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फोर फॉर्म और ऑब्जेक्ट वर्ब का फोर फॉर्म बोले तो आईएनजी फॉर्म जो होता है वो वाली फॉर्म है और इसका पैसिव में स्ट्रक्चर बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा फिर इज एम आर आएगा इज एम आर और इसके साथ बेइंग जुड़ता है बेइंग ये वाला वर्ड जुड़ जाता है बेइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आई और प्लस सब्जेक्ट ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ से आई एम प्लेइंग क्रिकेट आई एम प्लेइंग क्रिकेट हमने लिख दिया ये वाला आई एम प्लेइंग क्रिकेट इसका पैसिव लेके आना है तो ये है आपका सब्जेक्ट ये है आपका वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आना है ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया क्रिकेट अब इसके साथ क्या आएगा इज और इसके बाद क्या पुट करना है पिंग और उसके बाद वर्ब थ्री प्लेइंग का वर्ब थ्री बनता है प्लेड प्लेड और बाय यूज करना है बाय और फिर से सब्जेक्ट क्या है आई आई का ऑब्जेक्ट रूप मैंने बताया था ये आपका पैसिव सेंटेंस फिनिश हो नो डाउन कीजिए फिर इरेज करके नेक्स्ट में बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट में चलते हैं प्रेजेंट
कंटिन्यूअस के बाद आप करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव और पैसिव दोनों में। एक्टिव का स्ट्रक्चर लेते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव स्ट्रक्चर। और इसी का पैसिव स्ट्रक्चर फिर से ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 और बाई और सब्जेक्ट, ये पैसिव का स्ट्रक्चर। एग्जांपल लीजिए, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, ये स्ट्रक्चर सॉरी एग्जांपल हो गया, आई हैव ईटन फूड। अब ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट लेके आ गए फूड और फूड के साथ लगना है एज, और उसके बाद लेके आ रहा है बीन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन ही होता है ईटन, और फिर से बाई और सब्जेक्ट हो गया आई का मी। ये कंप्लीट, बहुत आसान सा पॉइंट है, बहुत आसान प्रेजेंट परफेक्ट अगर फिनिश हो गया तो इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव होता ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव होता ही नहीं, ग्रामेरियन ने बनाया ही नहीं, बस एक्टिव पढ़ना होता है, उसका पैसिव नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे पास्ट में पढ़ते हैं। पास्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट या फिर बोले तो सिंपल सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर बच्चा लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब टू लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर एक्टिव का। और ये इधर लिखेंगे पैसिव का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, ये है आपका पैसिव स्ट्रक्चर। एग्जांपल ले लीजिए, मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट सॉरी वर्ब, ये है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेकर आना है पहले, तो क्रिकेट लिख दिया, क्रिकेट के साथ वाज और वर्ब 3 प्लेड बाय मी कंप्लीट, नो डाउन कीजिए। पास्ट इंडेफिनिट के बाद पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन एक्टिव में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सब्जेक्ट सॉरी वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक्टिव, और ये इसका पैसिव में बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर हो गया। दोनों तरफ का एग्जांपल ले लीजिए, ही वाज डूइंग द वर्क, ही वाज डूइंग द वर्क, पैसिव लेके आइए इसका, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका वर्क, ये है आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाना है पहले, द वर्क वाज, ये आएगा वाज डूइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म डू है, डू का डिड डन होता है बाबू, डन बाय हिम कंप्लीटेड। फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर से स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 3 बाई और सब्जेक्ट, ये एग्जांपल लीजिए, सी हैड
डन हर होमवर्क, सी हैड डन हर होमवर्क। ऐसे में ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट। ये लेके आए ऑब्जेक्ट हर होमवर्क हैड बीन डन बाय हर कंप्लीट। नो डाउन कीजिए। इसके बाद फिर से मैं बता दूं, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं होता, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव फॉर्म नहीं होता। तीनों फॉर्म पढ़ लिए ऑलरेडी, आप पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट का 3 फॉर्म पढ़ लिए, पास्ट का 3 फॉर्म पढ़ लिए, और इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। एक बार भी नहीं पता चले, 2-3 बार वीडियो को देखिए, और देखने के बाद आपके बुक में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्या बात नहीं समझ में आई ये पता चलेगा। और फिर 1-2 दिनों में हम ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करते हैं, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो राइज कर लेंगे, पूछ लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। शुभ दिन।